और सुख शांति के वास्ते अन्याय के खिलाफ, सुख शांति के वास्ते अन्याय के खिलाफ दिल्ली में फिर बीजेपी की सरकार, सरकार चाहिए। और जिंदा दिल काबीना मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता रंदी जी अगर मौजूद हो, मेरा हौसला आप क्या कहिए, चार चांद लग जाता है। मैं उनकी मौजूदगी में शेर पहका हूँ, एक जोश अजब लेकर, एक जोश 6 तारीख को, ये तैयारी 6 तारीख के लिए, एक जोश अजब लेकर मैदान में आएंगे और दुश्मन के इरादों पर हम रंग जमाएंगे। इस बार इलेक्शन में दावा है मुराद अपना, इस बार इलेक्शन में दावा है मुराद अपना, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। शंकर जी और साहब का माला पढ़ना करके आप माला कहाँ चलिए ठीक है, बस आप हौसला बनाए रखिए, आप और हम हैं जी। जब आप इतना हौसला बनाए तो हमें कोई परहेज नहीं, चाहे जितना समय हो। ऐसा कि एक शेर आपको बता दे, ऐसा मुझे महसूस हुआ है, आप 23 मई को, ये आज पढ़ के जा रहा हूँ, 23 मई को आप याद करेंगे। मैं शेर ये पढ़ता रहा हूँ कि दुश्मन के लिए मैं हूँ पैगाम तबाही का, दुश्मन के लिए छोटा सा परिचय है हमारा, दुश्मन के लिए मैं हूँ पैगाम तबाही का, अंदाज निराला है नंदी के सिपाही का। तो कह रहा हूँ 2019 की आमद का ये ऐलान है, मैं नहीं कह रहा हूँ, 2019 की आमद का ये ऐलान है, मोदी मैं होने को फिर बेताब हिंदुस्तान, बेताब हिंदुस्तान है, और है शहंशाही में भी शाने फकीरी का कमाल। संगम के तट पर माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने सफाई कर्मियों के पांव धुलाए हैं, ये फख्र की बात है साहब, यहाँ से लोग खुशबू आती है साहब। मुराद अहमद मुराद ने ये शेर लिखा था पहले, अब काम हुआ बाद में साहब, शेर लिखेगा। है शहंशाही में भी शाने फकीरी का कमाल, मोदी जी के नाम पे सारा वतन कुर्बान, सारा वतन कुर्बान है, हम मोदी जी की लहर है। मैं नहीं कह रहा हूँ, व्लादिमीर पुतिन भी कह रहे हैं, मोदी जी की लहर है नंदी सुनामी की तरह, मोदी जी की लहर है नंदी सुनामी की तरह, कैसे रोके क्या करे, दुश्मन बहुत हैरान है, क्या करे दुश्मन बहुत हैरान है। और मैं ये आखिरी दर्ज पढ़ रहा हूँ, भबीम ने जिक्र कोशिश चाह तो रहा था मैं पढ़ दूँ, लेकिन वक्त का जो है मैं तगादा नहीं, रंग था जो पाबंदियाँ थी वो मुझे मना कर रही थी। आपको मालूम है मैंने ये बड़ी यादगार की, ये बहुत मेहनत की हमने इस दिल पे, सीधे चोट लगती है ना तो दिल बढ़िया कहता है, इसे शायर होने के लिए बहुत डिग्री की ज़रूरत नहीं है साहब। कबीर के पास कोई डिग्री नहीं थी, जो लिख के चले गए वो पढ़े लिखे वाले लोग जो हैं। एक शेर मैं बता रहा हूँ, व्यापारी समाज को दे रहा हूँ, कि लिखना है तो संदेश है, लिखना है तो दिल के पन्नों पर, लिखना है माननीय मंत्री जी की तरफ से संदेश दे रहा हूँ मैं, लिखना है तो दिल के पन्नों पर चाहत की इबारत खास लिखो, लिखना है तो दिल के पन्नों पर चाहत की इबारत खास लिखो, ऐ भामा शाह के दीवानों
मिलजुल के नया इतिहास, मिलजुल के नया इतिहास लिखो। और ये मैं आखिरी नज़्म पढ़ रहा हूँ, उसके बाद अलविदा कहूँगा आपको। और ये नज़्म इसका शीर्षक है ख्वाबों की लड़ाई। बहुत बढ़िया। सन 2010 12 जुलाई दुनिया को ये खबर हुई कि माननीय मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी पर प्राण घातक हमला हुआ RDX से। तो चूँकि बराबर सराय की तरह हम चले उनके साथ, और जब ये चूँकि इनके दम से हम सबों का दम है, साहब महफूज रहे तो हम लोगों क्या गम है, तेरा गम रहे सलामत मुझे कुछ कमी नहीं है, सही है ना साहब। तो ऐसा लगा कि दुनिया अंधेरी हो गई, तो दिल ने फिर कलम चलाया हमने। 15 दिन में ये नज़्में लिखी थी, मैं लखनऊ जाके साहब को सुना रहा था ये नज़्म, उसके बाद बहुत लोगों ने पसंद किया। इसका शीर्षक है ख्वाबों की अंगड़ाई। शेर सुनिएगा, दिल से पढ़ने जा रहा हूँ, माइक नहीं है गम न करिएगा, मेरी आवाज़ वहाँ तक जाएगी। शेर सुनिएगा, हेलो, इस हकीकत पर फिदा है रूम भी यूनान भी, मिस्र का दरियाए नील, चीन का मैदान भी, रूस की धरती पे तूफान ने किया ऐलान भी, और कह रहा है मुत्तफिक होकर ये हिंदुस्तान भी, क्या मिटा पाएगी ये दुनिया भला उसका वकार सम्मान मर्यादा, क्या मिटा पाएगी ये दुनिया भला उसका वकार जिसके ऊपर हो मेहरबान रहमती परवर।